दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MLM कुमार में। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ब्रेक की घंटी को ज़ोर से बजाइए, जो आने वाली अपॉर्चुनिटी की वीडियो आपको बार बार मिलती रहेगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वही बात और वही बात दोहराना चाहूँगा कि सच हमेशा कड़वा ही लगता है। जो मैंने समथिंग थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था और वही बात एक मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप अगर अदरवाइज आपने कोई भी कंपनी की है एक्स वाई जेड, अभी कंपनी जब क्लोज होती है तो या फिर उसका पेमेंट बंद हो जाता है या फिर आपने कोई कंपनी की है आगे, अगर उसका पेमेंट बंद होता है तो कौन सी कंपनी जो थी वो चालू हो गई, चलो आप बता दो। ठीक है, क्योंकि जो रियल है वही रियलिटी रहेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी हो अगर एक बार उसकी पेमेंट में दिक्कत आती है या फिर 2 दिन से स्टॉक्स में विड्रॉल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या समझे कि नई अपडेट समझे इसको। ठीक है, ये एक दिखावा है कि नई अपडेट का, आपकी अपलाइन चाहे कोई भी हो एक्स वाई जेड वो यही बताएंगे आज की अपडेट है, आज नहीं तो 10 दिन के बाद में विड्रॉल स्टार्ट होगा या फिर 5 दिन के बाद विड्रॉल स्टार्ट होगा, उसके बाद में आपको काम करने के लिए भी बोलेंगे। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप अभी स्टॉक्स में पैसा न लगाएं। स्टॉक्स समथिंग काफ़ी दिनों से चल रही है और अभी विड्रॉल क्लोज हुआ, इसका मतलब वो 9/2/11 है। ठीक है, यानी कि क्लोज हो चुकी है पूरी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी जिनका विड्रॉल क्लोज हुआ 2 दिन, 1 दिन, एक बार क्लोज हुआ यानी कि क्लोज है, यानी कि पूरी तरह से बंद। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, स्टॉक्स यानी कि पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है, अब आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा दोस्तों, पैसे अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप कर सकते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट, अगर आपके पास कम है तो नहीं करें, क्योंकि एक बार इनका जो विड्रॉल है अगर सक्सेसफुल होने लग जाए 2-3 दिन लगातार तो आप उसके बाद में काम स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपकी रिक्स पे, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो अभी भी आप लगा सकते हैं, परंतु यही कहना चाहूँगा अभी यहाँ पे आप जो है आपका पैसा ना लगाए, क्योंकि स्टॉक्स पूरी तरह से चली गई है। ठीक है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो यही चाहूँगा एक बार आ जाए, 30 दिन चल जाए, आपका कैपिटल बाहर कर लो और विड्रॉल कर लो और आपका जो कैपिटल है वो सेफ हो जाए। बहुत सारे दोस्त हैं जो ये बोल रहे का आज इनका ये है आज ये है, अरे भाई ऐसी कितनी कंपनी आई है कितनी गई है, जो एक बार चली गई है वो वापस कभी नहीं आई है, ये रिकॉर्ड है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, रिक्वेस्ट वही बात मैं दोहराऊंगा कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करें, विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाए 4-5 दिन लगातार तो बाद में आप इन्वेस्ट भले कर सकते हैं, वो भी आपकी रिस्क पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कोई भी बंदे का पैसा यहाँ पे नहीं लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।